नमस्कार साथियों, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे भारत का संविधान। और याद रखिएगा, इसमें मेरा ही कर्तव्य नहीं है पढ़ाना आपको, आपसे भी कुछ उम्मीद रखते हैं हम कि भारत की संविधान की जो भी आपकी क्लासें रहेंगी, इन्हें आपको सभी लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। देखिए भारी भारत का संविधान, देखिए आपका परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण रहता ही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए आप लोग, संविधान से अच्छी खासी संख्या में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारे देश के जो लोग हैं, आम लोग हैं, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें संविधान के बारे में मालूम नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के बारे में मालूम नहीं रहता है, उन्हें अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में मालूम नहीं रहता है। आपने देखा कि किसी के अगर मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है तो वो चुपचाप क्या करता है कि घर में बैठ जाता है। अगर उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसे कोई व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है, उसे कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, तो वो जाकर कहां बैठ जाता है, घर में बैठ जाता है। तो मौलिक अधिकारों से भी लोग परेशान है, एक तरह से उन्हें भी मालूम नहीं है उसके बारे में। और आप सभी लोगों को बता देता हूं कि जो संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए, और इन मौलिक अधिकारों का उपयोग करने से कोई रोकता है आपको, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आपका जो न्यायालय है ये आपकी सुरक्षा करेगा, और जो व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन कर रहा होगा, रोक रहा होगा, उसे सजा भी दिलाएगा। और दूसरा, आप देखिए मौलिक कर्तव्य को देख लीजिए। आपने देखा होगा कि आप लोगों को आंदोलन करने की छूट दी गई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हम लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये आम बात है हमारे देश में। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि आपके मौलिक कर्तव्यों में एक कर्तव्य ये भी जोड़ा गया है कि आप सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें, और उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है, उसकी सुरक्षा करने की आपकी ही संपत्ति है। आप सभी जानते हैं कि जो भी रेल सोच लीजिए, जो भी हमारे देश में बसें हैं, जो भी सरकारी संपत्ति है, उसमें आपके ही टैक्स से पैसा मतलब लगा हुआ है। अब आप में से कई लोग ये भी कहने लगते हैं कि मैं तो टैक्स नहीं भरता हूं, तो आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी भी टैक्स भरते हैं और आप लोग भी टैक्स भरते हैं। यानी कि हमारे यहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी टैक्स भरता है और अमीर से अमीर व्यक्ति भी टैक्स भरता है। आप लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, अब आप लोग कहेंगे कि स्मार्टफोन नहीं है किसी के पास, वो कैसे भरता होगा? चलिए माचिस तो खरीदता होगा ना, साबुन तो खरीदता होगा ना, उस पर आप देखिएगा टैक्स के बारे में पढ़िएगा आप लोग, तो इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग हर जगह देते हैं, कोई भी सामान खरीदने आप लोग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि संविधान के बारे में हमारे देश के हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। अगर संविधान के बारे में लोगों को मालूम रहेगा तो वो जागरूक रहेगा, वोट देने जाएगा तो आप देखिए कि वो सोचेगा समझेगा तब जाकर वोट डालेगा। अगर संविधान के बारे में मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग की एक पूरी क्लास में संविधान, भारत का संविधान पूरा कवर करेंगे, और इसके लिए एक प्लेलिस्ट सूची बना देता हूं भारत का संविधान के नाम से, और इसमें सभी क्लासें आपकी डली रहेंगी, और आप लोग इन क्लासों को आगे बढ़ाने का काम आप पर छोड़ देता हूं। आप जिस भी साइट पर हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जहां भी शेयर कर सकते हैं, इन क्लासों को करते रहिए। और लोगों को मुझे लगता है कि मानवाधिकार, अपने जो भी अधिकार हैं, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, कौन कराता है, कैसी व्यवस्था होती है, तो आम लोगों को भी इसके बारे में कम से कम मालूम तो होना चाहिए, ठीक है? और याद रखिए, नई बुक आप कह सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग इतना देखेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। हमें आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे, एक तरह से भारत के संविधान का ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे कि आने वाली क्लासों में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक कवर करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है? और याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, उन्हें पढ़िए, उनका एक तरह से मूल्यांकन कीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि एक बहुत बड़ी संख्या में आपके संविधान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मौलिक अधिकारों से क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल, मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चंस आते ही हैं, नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चंस आते ही हैं, आपकी नागरिकता जो प्रावधान रखे गए उनसे आते ही हैं क्वेश्चन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब से क्वेश्चंस आते ही हैं।
तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान में विषय सूची होगी। इसमें आप देखें तो हम लोग भाग एक में क्या क्या पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें आप देखेंगे आर्टिकल एक में हम लोग देखेंगे संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात होती है। अब आप देखिए कि आपके देश में जितने राज्य हैं उनके नाम की बात की गई, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम की बात की गई, उनका क्षेत्र क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मान लीजिए कि नए राज्यों का हमें लाना है, उसमें जोड़ना है भारत में, तो उनकी बात की गई है। और सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप देखते हैं ना कई राज्यों के नाम बदलते रहते हैं। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 4 में आप लोग पढ़ेंगे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन या अनुपूरक, अनुसंगिक और परिणामिक विषय के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों की बात करता है आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। तो भाग एक में आप लोग इन चार आर्टिकल को पढ़ोगे, चार अनुच्छेदों को पढ़ोगे और इस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर आप आएंगे भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में। इसमें आप लोग नागरिकता के बारे में पढ़ोगे कि कौन भारतीय नागरिक होगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो संविधान का जो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 है, कितना, आर्टिकल 5, इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब संविधान बनाया गया उस समय की बात की जा रही है। अनुच्छेद 6 कहेगा आपसे क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का के अधिकार की बात करता है। यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की जो नागरिकता की बात है उसकी बात करता है। और आर्टिकल 7 यानी कि अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है जो भारत से पाकिस्तान गए हुए हैं। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है, उद्भव के। और अनुच्छेद 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिक ना होने की बात करता है। मान लीजिए कि आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली है या किसी और देश की नागरिकता ले ली है, तो आप देखिए कि हमारे देश में भी तुम नागरिक नहीं रहोगे ना, तो नागरिकता खत्म कैसे होगी इसकी बात करता है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। और आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में आएंगे। इसी क्लास को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो 2 3 4 क्वेश्चन आप लोग आंसर आराम से दे पाएंगे। और मुझे इस बताने की जरूरत नहीं है, 2 3 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर लेते हैं तो कितना आप लोगों को फायदा होता है। फिर आप देखेंगे संविधान का भाग 3 आता है और संविधान के भाग 3 में आप लोग मूल अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं कि आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए। देखिए केवल वोट डाल देना ही अधिकार नहीं होता है, लोकतंत्र नहीं होता है, आपको कुछ अधिकार तो मिलना हो चाहिए। और आप सोचिए कि अगर इंसान है आप लोग तो मुझे लगता है आपकी ख्वाहिशें होंगी कि बोलने का अधिकार हो, आपको घूमने का अधिकार हो। तो आर्टिकल 12 में परिभाषा की बात की गई है, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात की गई है। फिर आप देखेंगे कि आपका समता का अधिकार, पहले आपके 7 तरह के अधिकार हुआ करते थे लेकिन आप सभी जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप देखिए कि पहले आप लोगों की अगर जमीन संपत्ति सरकार लेती थी तो आपने देखा होगा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाते थे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और मान लीजिए कि वहां से रेलवे लाइन गुजरना है, मान लीजिए आपकी जमीन पड़ गई और आप लोग मौलिक अधिकार लेकर अपना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले गए, तो आपने देखा इस तरह की परियोजनाओं पर बहुत समय लगता था, बहुत परेशानी आती थी। तो इसीलिए क्या किया गया कि मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार से ये होगा क्या होगा कि अगर उसका आपको मुआवजा नहीं मिलता है तो कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समता का अधिकार। और इसमें आप लोगों को 5 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, 14 15 16 17 18। तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष
समता की बात करता है, यानी कि सभी लोग समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारे देश के लोगों को मालूम ना होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बड़े अगर आप लोग हैं तो आपने देखा होगा आपके हिसाब से कानून और कुछ बता देता है, आप आराम से उससे निकल जाते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आप किस धर्म से हैं, किस वंश से हैं, किस जाति से हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है, इसके आधार पर आप लोगों को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप सब बराबर रहेंगे, ठीक है, ये अनुच्छेद 15 कहता है। इसमें अंदर कुछ अपवाद भी दिए गए, उन पर हम लोग विस्तार से आने वाली क्लासों में बात करेंगे, अभी केवल ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है, यानी कि सरकारी नौकरी वोकरी की बात करें कि सबके लिए समानता की बात की गई है, इसमें भी कुछ अपवाद है, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, जो सम्मान मिलते हैं ना उनकी बात करता है, कहीं किसी देश से आप लोग उपाधि ले रहे हैं तो आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि आपको 4 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, वैसे आप देखें अगर 21 का भी जोड़ दें तो गिनती में 5 हो जाएंगे, ठीक है, वैसे आप लोग क्रम से अगर देखें तो 19, 20, 21, 22 रहेगा, ठीक है। तो 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता, आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, समझ रहे हैं आप लोग, जीविका चलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की मीडिया की बात करता है, ये अनुच्छेद 19 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई अपराधी है उस पर अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके भी कुछ अधिकार हैं, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। और आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 से क्वेश्चंस आपकी कई बार सिविल सर्विस में, कई बार स्टेट पीसीएस में और कई तरह की परीक्षाओं में आ चुके हैं। अनुच्छेद 21A क्या कहता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। और मेरा भी देखिए मानना है कि हमारे देश के हर व्यक्ति को फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हर व्यक्ति की एक तरह से जरूरत यही होती है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे, उनकी अगर उसकी कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसे फ्री में आराम से उसका इलाज हो सके, या फिर इसकी कीमत इतनी कम रखी जाए कि हर व्यक्ति उसका वहन कर सके, उसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है, कि आपको गिरफ्तार करने आते हैं तो आप देखिए कि आप पूछ सकते हैं उनसे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको वकील उपलब्ध कराया जाएगा, आपको 24 घंटे के एक दिन के अंदर आप देखिए कि आपको कोर्ट में कहीं उपस्थित कराया होगा, तो उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे, आप लोग परेशान नहीं होना है। तीसरा अधिकार देखेंगे आप लोग, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें आप लोगों को अनुच्छेद 2 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, एक तो 23 या क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध की बात करता है, ठीक है, 2A बात है। अब देखिए आप लोग देखिए आजादी के बाद के देख लीजिए, आजादी से पहले देख लीजिए आप लोग, मानव का दुर्व्यापार किया जाता था, लोगों को खरीदा बेचा जाता था, लोगों से मजदूरी कराई जाती थी, छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी कराई जाती थी, आज भी हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसे रोकने के लिए एक तरह से इन आर्टिकल को, यानी कि सब अनुच्छेदों को रखा गया है। दूसरा जो 24 आर्टिकल है, ये कहता है कि जो कारखाने हैं आपके, इनमें बच्चों को एक तरह से ना लगाया जाए, उनकी बचपन का सुरक्षा उन्हें उपलब्ध कराई जाए, इसलिए अनुच्छेद 24 रखा गया है। फिर आप देखेंगे आपका चौथा अधिकार क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। और आप सभी जानते हैं कि जो संविधान है एक किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। और हमारे देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ आपको इस्लाम, हिंदू, समझ रहे, बौद्ध, जैन, ईसाई, तरह तरह के सिख, सभी लोग देखने को मिल जाएंगे। और हम लोग बड़ी खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहते भी हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी खूबसूरती दुनिया में आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगी।
और इसमें अगर किसी ने विष घोला है तो वो आपके राजनेता हैं, अपनी रोटी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने काम करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार पढ़ा लिखा है, तो आप लोग इसमें बहकावे में नहीं आएंगे। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चार आर्टिकल देखने को मिलेंगे, चार अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, 25, 26, 27, 28। अनुच्छेद 25 क्या कहता है इसमें? अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसे प्रचार प्रसार उसका कर सकते हैं, बस दूसरे के धर्म पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि आप देखिए कि अपने धर्म को मान रहे हैं आप लोग और दूसरे के धर्म को आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब देखिए गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। आप धार्मिक जो भी काम है आपके, उनके जो उनको आप लोग आराम से प्रबंधन कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं, कोई आप पर रोक नहीं लगेगी। अनुच्छेद 27 कहता है, और इस पर हम लोग आगे आके विस्तार से बात करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आप लोग यहीं से रट सकते हैं, और आपके इस तरह के आर्टिकल कई बार सिविल सर्विस और स्टेट बीसीएस एमपीपीएससी हो, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इनमें भी आते रहते हैं। अनुच्छेद 27 करता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है, कि जो आप लोगों का धर्म है उस पर कर लगाने यानी कि टैक्स लगाने को रोकने की बात की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। मान लीजिए कि आपने अगर कोई संस्थान बनाया हुआ है अपने पैसे से, तो उसमें आप लोग धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं, समझ रहे? तो ये भी बात की गई है, धार्मिक उपासना की बात की गई है अनुच्छेद 28 में। फिर आप देखिए कि आपके सामने अगला अधिकार, मौलिक अधिकार है, पांचवा। ये कहता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है, और इसमें आप लोगों को दो अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। एक तो आप देखेंगे 29 और 30। 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है, और अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात की गई है। आप देखिए कि अल्पसंख्यक मतलब होता है, सीधी सी बात आप लोग निकाल लीजिए, जिनकी संख्या कम हो, और बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या अधिक हो, तो उनके भी अधिकार हो। आप देखिए कि आपके गांव में अगर 50 आदमी रह रहे हैं, उसमें से आप देखिए 50 किसी और जाति के हैं, एक दो किसी और जाति के हैं, तो एक दो जाति वालों का भी अधिकार सुरक्षित रहे, उन्हें भी बोलने की आजादी रहे। ठीक है, और आपको बता चुका हूं कि संपत्ति का जो वो था अधिकार था उसे हटा दिया गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, निरस्त मतलब खत्म। कुछ विधियों की वृत्ति की बात की गई है 31 का, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की वृत्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 31 खा, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानकरण की बात की गई है। अनुच्छेद 31 का, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की बात की गई है। अनुच्छेद 31 घा, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधियों की वृत्ति बात की गई है, इसे निरस्त यानी कि हटा दिया गया। ठीक है, फिर एक आपका आता है संविधान का अधिकार छठवा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि सांविधानिक उपचारों का अधिकार, और मुझे लगता है कि इससे पहले आप लोगों ने जितने भी आपके मौलिक अधिकार पढ़े हैं, अगर ये अधिकार ना होता तो उनका कोई महत्व ना होता। सबसे जरूरी अगर कोई है तो ये है आपका, और ये क्या करता है? अनुच्छेद 32 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार की बात की गई है। अगर आपके मौलिक अधिकारों के साथ कोई हनन कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा के लिए डंडा चलाएगा, मतलब कुछ निर्देश देगा और आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 32 का क्या कहता है? इसे हटा दिया गया है, लेकिन पढ़ लीजिए आप लोग। राज्य विधियों की संविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों में विचार ना किया जाना। अनुच्छेद 33 आप लोग पढ़िए, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने से उपांतरण करने की संसद की शक्ति की बात की गई है। आप देखिए एक बात बताता हूं, मान लीजिए कहीं आप देखिए कि कानून एक तरह से लागू है, वहां आप देखिए जम्मू कश्मीर की देख लीजिए आप लोग, जैसे जम्मू कश्मीर आप देखते हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति रहती है, या पूर्वी भारत में आप लोग देख लीजिए, वहां जो हमारे सैनिक बल लगे हुए हैं, समझ रहे हैं?
तो उनके उनके अधिकारों की बात होती है कि जो हमारे सैनिक बल हैं, अधिकारी हैं, अगर वो कहें कि हमें कोई सूचना, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, वो कहीं और भेजना है, तो उनके अधिकारों को रोक दिया जाता है। ठीक है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की बात होती है। अगर आप देखिए सेना विधि कहीं सेना नियम लागू है, अपस्पा आप लोग कह देते हैं, तो आप देखिए वहां के अधिकार, लोगों के अधिकारों पर भी कुछ हद तक एक तरह से रोके जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 35 कहता है, अनुच्छेद माफ करिए अनुच्छेद 34 कहता है ये बात। ठीक है, अनुच्छेद 35 कहता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 32 देख लीजिए, अनुच्छेद 33 देख लीजिए, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35, ये आपको चार अधिकार, चार अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हुआ आपका संविधान का भाग 3 खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं संविधान के भाग 4 की तरफ, और संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है। और आपको फिर से बता देता हूं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, और इसमें जो सुविधाएं देने की बात की गई है, अगर वो सुविधाएं आपको नहीं मिलता है तो याद रखिए कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। देखिए आप लोग भी जानते हैं कि मान लीजिए कि आपने, आपके माँ बाप हैं, उन्हें उन्हें आपकी इस परवरिश की हुई है, आपको अच्छी शिक्षा दी हुई है, आपको पढ़ाया लिखा है, तो ये आपका कर्तव्य होता है कि उनकी बुढ़ापे में उन्हें अच्छी सेवा कर सकें, उन्हें जब जरूरत है तो आपकी उनके एक तरह से हाथ दे सकें, उनकी मदद कर सकें। अब आप ना करें तो आप पर कौन से नियम कानून लग जाएंगे कि कोई आप में लठ लेकर आ जाएगा, डंडा लेकर पीटने लगेगा। तो इसमें जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, ऐसा ही हाल है। अब आप देखिए कि आप लोग सरकारों को चुनते हैं, अब सरकारों के भी तो कर्तव्य हैं कि वो आपकी सुरक्षा करे, आपको कुछ अधिकार दिए, आपको कुछ फायदा यानी कि लाभ दिए जाए। अब नहीं देगी तो आप लोग क्या करेंगे, अगले 5 साल बाद देखे जाएंगे। तो इसमें राज्य की नीति निर्देशक में यही एक तरह से बात की गई है, और ये राज्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है, परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों की बात करता है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है कि सभी को समान न्याय मिले और सभी को फ्री में सहायता दी जाए। आप देखिए जैसे आप मान लीजिए कि आपने देखा होगा किसी पर केस हो जाता है, FIR हो जाती है, तो आपने देखा होगा गरीबों को इतना परेशान किया जाता है कि उनके घर बार बिक जाते हैं, और वहीं अमीरों को देख लीजिए आप लोग। तो इसलिए सरकार ने एक तरह से इसमें नीति निदेशक में प्रावधान रखा गया है संविधान में कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 का को आप लोग याद रखिए, इससे क्वेश्चंस कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और एक अनुच्छेद 40, इससे क्वेश्चंस आप देखिए एक बार नहीं, अगर आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं के उठाओ के देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट होता आया हुआ है। पूछ लेता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन या स्थापना की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है, पाने के अधिकार की बात करता है। अगर राज्य सरकारें चाहें तो आपको कुछ काम दिला सकती हैं, शिक्षा फ्री में दिला सकती हैं, लोक सहायता उपलब्ध करा सकती है, और ना चाहें तो आप लोग क्या राम भरोसे हैं। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति यानी कि सहायता का उपबंध कराना, यानी कि काम के क्षेत्र में आपको न्याय मिल सके। और आप देखिए कि प्रसूति मतलब कोई महिला अगर गर्भ होती है तो उस समय उसकी सहायता की जाए, उसे कुछ समय के लिए छुट्टी दी जाए, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की आदि की बात की गई है, जो कामगार हैं, जो काम करते हैं, उन्हें क्या मजदूरी मिलनी चाहिए, उसकी बात की गई है। न्यायोचित, तो एक तरह से आप सोचिए कि मजदूरी मिले उन्हें, कि वो अपने काम, घर का काम
कर सकें, अपने जो भी बच्चे हैं उन्हें पढ़ा लिखा सकें। अनुच्छेद 43 का ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने की बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 खा क्या कहता है? सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन की बात करता है। सहकारी यानी कि आप देखिए कुछ इसका क्या रहता है कि सहकारी जैसे आप भी बना सकते हैं, उसमें सरकार भी आप रहेगी और हम भी रहेंगे, और आप देखिए लोगों की एक तरह से आप सोचिए कि भले के लिए बना लेते हैं इस तरह के संगठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। देखिए इन सभी क्लासों में आप देखिए बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ मेरा इतना मानना है कि इन्हें कवर करने के बाद आपको संविधान में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग भारत के नागरिक हैं या फिर आप देखिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिंदास ज्ञान मिल जाएगा और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है? इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बालावस्था देख रेख और शिक्षा के उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की जाती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति की या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, इनके एक तरह से देखिए इनकी काम को ध्यान में, इनकी हालत को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाता है। आप देखिए 27% आरक्षण की बात की गई है ओबीसी के लिए, लेकिन कई राज्यों में आपको 27% देखने को मिल जाएगा, कई राज्यों में 27% नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी, और जिस राज्य में जिसकी जैसी जनसंख्या है, आप देखिए सरकार राज्य फैसला लेते रहते हैं। अनुच्छेद 47 ये पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने लोगों का जो पोष यानी कि उन्हें अच्छा खाना मिल सके, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके, और अगर नहीं मिलता है तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि देखिए उसमें राज्य का कर्तव्य है, अब हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कोई जबरदस्ती नहीं लागू कर जा सकते। अनुच्छेद 48 को आप लोगों को पढ़ना है, किसी और कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 50 49 48 आप लोग देख लीजिए, उसके बाद 49 50 51 48 क्या कहता है? 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। और आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, मुझे गांधी जी का वो वक्तव्य बड़ा याद आता है कि देखिए हमारी धरती के पास, प्रकृति के पास इतने इतनी क्षमता है कि वो हमारी जरूरतें पूरा कर सकती है, लेकिन अगर कोई आप स्वार्थी व्यक्ति है तो उसकी जरूरतों के लिए पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं वो कम पड़ जाएंगे, और आप देखिए इस तरह की उसे लालच में कई पृथ्वियों की जरूरत पड़ जाएगी। और इस पर आप देखिए कि जो भी वन्य जीव हैं, वन हैं, सबका समान अधिकार है। ठीक है, तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है, राज्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथककरण, दोनों में एक तरह से अलग अलग है। ठीक है, अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ रहे हैं आप लोग, देश के बाहर की बात कर रहे, शांति और सुरक्षा किस तरह से बनी रहे। तो ये आपके क्या हो गए बताइए? नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए या कर्तव्य हो गए। ठीक है, संविधान के भाग 4 में। अब संविधान का भाग 4 का भी है, संविधान का भाग 4 का, या इसे आप लोग 4A कह देते हैं। तो इसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई है। कैसे की बात की गई है? मूल कर्तव्यों की बात की गई है। एक तरह से आप लोग नीति निर्देशक तत्वों को और मूल कर्तव्यों को समझिए। आप लोग राज्य सरकारों को, कुछ राज्यों को या सरकार को आपको कुछ उसके कर्तव्य हैं, तो इसी तरह लोगों के भी कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 51 का है, इसमें मूल कर्तव्य रखे गए हैं, उन पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, और वहां आप लोगों को आंसर राइटिंग के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से आप लोग लिखेंगे, उन पर एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे।
आप चलते हैं हम लोग संविधान के भाग 5 की तरफ, और इसमें आप देखेंगे संविधान के भाग 5 में सबसे पहले हम लोग संघ की बात करें, और इसमें हम लोग अध्याय 1 की बात करेंगे, और इसमें हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में देखेंगे, कार्यपालिका के बारे में देखेंगे, और कार्यपालिका के बारे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति भी होता है। आप लोग बताइए, जिस समय आप लोग देख रहे हैं उस समय कौन कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है? और राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखते हैं कि लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, या फिर आपकी विधानसभा के हों, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं चुनाव में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होगा एक। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, ये राष्ट्रपति की बात की गई है। और एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कोई प्रस्ताव आता है तो उसे आप लोग राज्यसभा लोकसभा में बिल कहते हैं, जब तक वहां रहता है। जैसे ही राष्ट्रपति की उस पर सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति पावरफुल हुआ ना, लेकिन एक देखने के लिए, दिखावा के लिए एक तरह से राष्ट्रपति पावरफुल है, लेकिन क्योंकि सरकारें चुनती हैं ने। अब आप सोचिए कि आपके पास लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में बहुमत होगा, तो आपका ही, अगर आप लोग अपनी पार्टी से उसे बनाते हैं और जिताते हैं, तो आपका ही काम करना पड़ेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। इस बात को आप लोग बड़े गौर से याद रखिएगा। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि किस पद्धति से चुनाव होगा, इसकी बात कौन सा अनुच्छेद करता है? 55 अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, इसका समय कितना होगा, इसे पद पर बने रहेंगे, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। मान लीजिए कि आपकी ही बात उदाहरण ले लेता हूं, मुझे लगता है कि भारी भरकम उदाहरण नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कि आप लोग एक बार राष्ट्रपति बन गए, तो उस आपका चुनाव किस तरह से होगा, उसकी बात हो गई आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 56 में ये कह रहा है कि आप राष्ट्रपति चुन लिए गए, तो आप कितने समय के लिए रहेंगे उस पर, उसकी बात की गई है। या पहले हट जाएंगे, पहले कुछ होता है तो क्या होगा। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है, पात्रता की बात करता है। यानी कि एक बार राष्ट्रपति आप लोग बन गए हैं, तो क्या दोबारा आप लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, तिबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो जी हाँ, हमारे यहां कोई रोक टोक नहीं है, आप कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। आपकी न्यूनतम आयु इसके लिए 35 साल रखी गई है, ठीक है? अगर 35 साल के हो गए तो आप लोग बन सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका में आप लोग देखते हैं, 2 बार बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, यानी कि आपको अगर राष्ट्रपति बनना है, चुनना जाना है, तो आपके अंदर क्या क्वालिटियां होनी चाहिए, क्या जरूरतें होना चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी बात की गई है, ठीक है? और राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होंगी, अनुच्छेद 59 में कहा गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात किया गया है। आप लोग राष्ट्रपति बन गए, फिर आपको शपथ तो लेनी होगी ना, तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करता है। मान लीजिए कि आप लोगों से कोई खुश नहीं है, आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आप राष्ट्रपति हैं, मैं आपको राष्ट्रपति ही मान रहा हूं, तो आप लोगों को हटाने, अपने पद से हटाने की बात हो गई है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा, चलाया जाएगा, उसकी बात की गई है। अब इसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या होगा, इसे हम लोग अंदर जाकर पढ़ेंगे, और बहुत सरल शब्दों में पढ़ेंगे, ठीक है? अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यहां मैं अपना उदाहरण ले लूं, आप लोग कहें तो, क्योंकि यहां थोड़ा मुझे लगता है कि हो सकता है बुरा नहीं लगना चाहिए, फिर भी बुरा लग जाए तो क्या कर सकते हैं उसमें। मान लीजिए कि मैं राष्ट्रपति हूं, और मान लीजिए कि मेरी डेथ हो जाती है बीच में, या किसी कारण बस मैं पद छोड़कर जाता हूं, या महाभियोग प्रक्रिया चलाए जाने की बात होती है, हट जाता हूं, तो उसके बाद देखिए किस रीति से वो पद जल्दी से जल्दी भरा जाएगा, क्या रहेगा उसका सिस्टम, उसकी बात की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा एक। मान लीजिए कि आप उपराष्ट्रपति के पद के होना चाहिए हमारे देश में, ये बात की गई है।
अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। एक बात आप लोगों को यहां बता देता हूं, और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है कि कौन वो व्यक्ति होता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी अध्यक्ष सभापति होता है, तो वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी सभापति अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। लोकसभा के मामले में आप देखिए, लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है। तो ये आप लोग बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसके कृत्यों का निर्वहन करना। मान लीजिए किसी भी कारणवश से राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, या राष्ट्रपति का रिक्त पद खाली हो चुका है, तो उस समय राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति का काम करेगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति साहब का निर्वाचन, इलेक्शन, चुनाव किस तरह से होगा, क्या होगी प्रक्रिया, उसकी बात करता है, ठीक है, चुनाव की बात करता है। अनुच्छेद 67 67 ये उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है कि कितने समय के लिए रहेगा, क्या रहेगी इसकी पदावधि, ठीक है। और याद रखिए, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता आया हूं कि आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ लीजिए। और आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इन शब्दों को आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, पदावधि क्या होता है, चुनाव क्या होता है, निर्वाचन क्या होता है, ठीक है। अनुच्छेद 68 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती या कारण किसी कारणवश उसका पद रिक्त हो जाता है, तो उस समय क्या होगा उसकी बात की गई है। 69 अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। अब आप लोग उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो आपको शपथ लेनी होगी, और उपराष्ट्रपति की शपथ की किस में बात की गई है? आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 70 क्या कहता है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। देखिए, राष्ट्रपति यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तो उस समय क्या काम करेगा उसकी बात हो गई है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी या सशक्त विषय की बात की गई है, यानी कि आप देखिए इनके निर्वाचन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम रही तो उसकी बात की गई है आर्टिकल 71 में। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि हमारे राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है, कि किसी को अगर फांसी दी गई है तो उसकी फांसी को भी रोक सकता है राष्ट्रपति, या उसकी जो सजा दी गई है उसमें कटौती कर सकता है, या उसकी सजा को आप देखिए कि जैसे फांसी की सजा दी गई है तो उम्र कैद में बदल सकता है। तो ये आपका आर्टिकल जो 72 है, अनुच्छेद 72 है, ये क्षमा से संबंधित है राष्ट्रपति के मामले, ठीक है। अनुच्छेद 73 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की गई है, संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है, ठीक है। फिर चलते हैं, आपका आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद इसमें आप देखते हैं कि अभी आप देख लीजिए कि आपकी मंत्रिपरिषद होगी केंद्र में, और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 को आपको याद रखना है, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो रट्टा मार लीजिए, बस आर्टिकल को, अनुच्छेदों को याद रखिए, हर हाल में याद रखिए। और मैं तो कहता हूं कि सुबह से उठ के सबसे पहले मंत्र के रूप में उच्चारण करके आप लोग इन्हें डेली पढ़ते रहा करिएगा। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब आप देखिए कि राष्ट्रपति अपने मन पर ही कोई काम नहीं कर लेता है, उसे सलाह देने के लिए एक तरह से आपके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल होता है, समझ रहे हैं। और अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात करता है। तो ये दो आर्टिकल आप लोगों को 75 74 याद रखना है। उसके बाद आपके सामने आता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी इसमें अनुच्छेद 76 आपका भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। टेंशन मत लीजिए, इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए, फिर आएगा आपका सरकारी कार्य का संचालन, और इसमें आर्टिकल 77 अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन क्या होगा उस पर बात करता है। अनुच्छेद 78
राष्ट्रपति को जानकारी देनी आदि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है कि प्रधानमंत्री का कुछ कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे, कोई फैसला ले रहा है। फिर आपका आता है अध्याय दो, संविधान के भाग किसमें बताइए, पांच में, संविधान के भाग पांच में अध्याय दूसरा आप लोग पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ोगे आप लोग बताइए, कुछ बताओगे या नहीं बताओगे मुझे? इसमें आप लोग पढ़ोगे संसद के बारे में कि संसद का गठन कैसे होगा, क्या रहेगी। तो इसमें आप लोग, ये आप लोगों को पढ़ना है, संविधान का भाग पांच है, अध्याय दूसरा है, याद रखिए संविधान का भाग पांच ही अभी चल रहा है, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिए। तो सबसे पहले साधारण यानी कि आप देखेंगे अनुच्छेद 79 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें संसद का गठन की बात की गई है, संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। ए वन लाइनर में क्वेश्चंस आपकी स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस में कई बार पूछ लेता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात की गई कि क्या संरचना होगी, इसमें कितने मेंबर होंगे, उस पर हम लोग आने वाली क्लासों में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन की बात करता है। अब आप देखिए कि देखिए 2011 में कुछ और जनसंख्या थी, 2021 की जनगणना में कुछ और जनसंख्या होगी, अभी अंतिम आंकड़े कुछ हुआ ही नहीं है। 2031 में जो जनगणना होगी उसके कुछ और जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो आप देखिए कि कुछ मतलब सुधार तो होना चाहिए। मान लीजिए कि आप देखिए कि इस क्षेत्र में 1951 में जितनी जनसंख्या थी और उस समय भी आप देखिए कि आपका एक ही वहां का लोकसभा सदस्य था, वो उन सभी जनसंख्या की देखभाल कर रहा था, और आप सोचिए आप लोग की दोगुनी तिगुनी जनसंख्या हो गई उस क्षेत्र की, तब भी वो ही है। तो इसमें कुछ सुधार हो बढ़े इसकी बात करता है, ठीक है, सीटों की बात करता है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि की बात करता है, अवधि मतलब समयकाल की बात करता है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हताओं की बात करता है, क्या अर्हताएं क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 85 संसद के सत्य सत्तावसान विघटन की बात करता है, यानी कि सत्य को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या इसमें विघटन मतलब कैसा रहेगा, ये सब पर बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बस अभी आप लोगों को याद रखना है कि अनुच्छेद जो 85 है यानी कि आर्टिकल आपका जो 85 है 85 है, ये संसद के सत्य सत्तावसान और विघटन की बात करता है। आप लोग सुनते रहते हैं ना कि शीतकालीन बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार की बात करता है। राष्ट्रपति साहब आप देखते हैं कि संसद में अभिभाषण बोलते हैं, उसी की बात हो रही है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है कि आप देखिए राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण होगा। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों की बात करता है कि सदनों में आप देखिए मंत्री जो है आपके और जो महान्यायवादी है उसके क्या अधिकार हो सकते हैं, उसकी बात करता है। फिर आप देखेंगे कि इसी में अध्याय दो में ही संसद के अधिकारी होंगे कुछ, और इसमें आर्टिकल 89 यानी कि 89 क्या कहता है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात करता है कि राज्यसभा में एक सभापति होगा उपसभापति होगा। अनुच्छेद 90 क्या कहता है, उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग करना, पद से हटाए जाने की बात करता है अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 91 क्या कहता है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है। यानी कि आप देखिए कि मान लीजिए कि सभापति कभी नहीं है तो उस समय कौन इसका काम करेगा, इनकी शक्तियों का कौन उपयोग करेगा, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। आप देखिए कहने का मतलब यही है कि आप पर कोई, आप सोच लीजिए कि मान लीजिए आपने कुछ गलती की हुई है, आप एक परिवार के मेंबर हैं और उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, आपको मान लेते हैं, और आपसे कोई गलती हो गई और तो उस समय आपको निर्णय नहीं लेने दिया जाएगा, उस समय आपको अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा, आप उस समय अध्यक्ष नहीं होंगे, ठीक है। मान लीजिए सभापति या उपसभापति के मामले अगर उसे पद से हटाने का कोई संकल्प है आया हुआ है तो उस समय वो पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 93 कहता है, 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है
कि लोकसभा में भी आप देखिए एक अध्यक्ष होगा उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। अनुच्छेद 94 कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना, पद से हटाए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 95 कहता है कि अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है आपका अनुच्छेद 95, ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा उसकी बात कर रहे हैं उपाध्यक्ष, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 96 आता है और ये कहता है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना है। अभी जैसे ही पीछे बात की हुई उसी की बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 97 कहता है कि सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात करता है। अब आप सोचिए कि सभापति है उपसभापति है राज्यसभा में या लोकसभा में अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है तो वो फ्री में काम तो नहीं करेगा, उसे कुछ वेतन भत्ते भी तो देना होगा, उसे भी उसका भी तो खर्च रहेगा, तो उसी की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 97, 97, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 98 आपका आर्टिकल क्या कहता है, संसद का सचिवालय की बात करता है आपका 98, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि कार्य संचालन संविधान का जो भाग 2 है, भाग 5 है और अध्याय 2 है, ठीक है। संविधान का भाग 5 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार्य संचालन की बात करता है यानी कि आर्टिकल 99 आप लोग पढ़ेंगे तो सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है जो आपके सदस्य होंगे लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 100 क्या कहता है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होने होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात करता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कोई अगर सदस्य उपस्थित नहीं है तो क्या उस दिन काम कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा, कोई काम नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। तो इसमें आर्टिकल 100 में बताया गया है कि कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, आगे हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए, अभी केवल हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर आप देखिए कि जो आपके सदस्य होते हैं इनकी निर्धारताएं क्या होनी चाहिए, और तो आर्टिकल 101 यानी कि अनुच्छेद 101 क्या कहता है, स्थानों के रिक्त होने की बात करता है। अनुच्छेद 102 कहता है कि सदस्यता के लिए निर्धारताएं क्या होनी चाहिए उसकी बात करता है। अनुच्छेद 103 कहता है कि सदस्यों की निर्धारताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय किस तरह से हो सकेगा, ठीक है। अनुच्छेद 104 कहता है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या फिर अर्हित ना होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति की बात करता है अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 फिर आप देखेंगे संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां विशेषाधिकार उन्मुक्तियों की बात की गया है। अब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनकी कुछ शक्तियां भी तो होंगी, उन्हें कुछ अधिकार भी तो दिए गए होंगे, समझ रहे हैं आप लोग, वो फ्री फंड में तो वहां बैठे नहीं है। तो अनुच्छेद 105, इस अनुच्छेद से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेष अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 107 106 क्या कहता है, सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। अब जो आप देखिए सदस्य वहां होंगे, लोकसभा सदस्य है तो उसे भी वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, ठीक है। फिर आप देखिए कि विधायी प्रक्रिया की बात की गई है, ये संविधान का भाग 5 ही चल रहा है, अध्याय 2 ही चल रहा है, इसलिए परेशान मत होइएगा, अभी हम लोग अध्याय 2 में ही है, किसमें है, अध्याय 2 में ही है, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 107 क्या कहता है, विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित करने कराए किए जाने के संबंध में उपबंध, यानी कि आप देखें कोई अधिनियम बनाना है, कोई कानून बनाना है तो उससे पहले राज्यसभा लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। अनुच्छेद 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। देखिए इस मामले में एक और बात बता देता हूं, मान लीजिए कि एक कोई प्रस्ताव आया हुआ है, राज्यसभा लोकसभा में ठनी हुई है, उन दोनों में सहमति नहीं बन रही है, तो उस समय एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, दोनों का समझौता एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 109 क्या कहता है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। धन विधेयक जो होते हैं इन्हें आसानी से पास कराया जा सकता है सरकार के द्वारा, इसलिए आप देखते हैं कई अगर प्रस्ताव कोई पास कराना होता है और राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है तो वो धन विधेयक में बदल देता है, धन विधेयक का नाम दे देता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है, इसे आप लोग याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति की बात की गई है,
फिर आप देखिए इसी में संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 में वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। जो बजट है आपका, अब आप देखिए कि बजट सरकारें ऐसे ही नहीं चलती हैं, योजनाएं ऐसे ही नहीं आ जाती हैं, इसके लिए एक बजट आता है। और आप लोग देखते होंगे कि हर साल आप लोग बजट पढ़ते हैं और आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं, और आप लोग कहते हैं कि मनरेगा के लिए इतना पैसा दिया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना पैसा दिया गया, हमारी सुरक्षा के लिए इतना पैसा दिया गया, समझ रहे हैं? तो बजट शब्द का डायरेक्ट संविधान में कहीं उल्लेख नहीं देखने को मिलेगा किसी आर्टिकल में। जैसे ही आप लोग अनुच्छेद 112 पढ़ेंगे तो उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 113 में देखेंगे संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के बारे में भी बात की गई है, विनियोग विधेयक के बारे में बात की गई है। फिर आप आइए अनुच्छेद 115 पर, अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान की बात की गई है। मान लीजिए कि देखिए आपसे ही पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि कहीं आपको फंड आपने दिया हुआ है, वहां कमी पड़ गई, तो उसी की उसी से संबंधित आपका बात की गई है अनुच्छेद 15 में, ठीक है। अनुपूरक क्या होता है, अतिरिक्त अनुदान क्या होता है, इस पर हम लोग आगे चल के विस्तार से बात कर लेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान, वित्तीय अनुदान और अपवादानुदान की बात की गई है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है। फिर आप देखें संविधान का भाग पांच और अध्याय 2, तो साधारण प्रक्रिया, और इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम की बात करता है। अनुच्छेद 19 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनिमय की बात करता है। अनुच्छेद 120 सदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है कि वहां कौन सी भाषा बोली जाएगी। अब आप देखिए कोई मान लीजिए कि फारसी बोलने लगे, समझ रहे हैं, तो उसके लिए बात की गई है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन की बात की गई है। अब आप सोचिए कोई प्रस्ताव आ रहा है, कोई कानून बनना है, तो उस पर चर्चा हो सके अच्छी तरह से, किस तरह से हो। अनुच्छेद 122 तो न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना करना किए जाने की बात की गई है कि मान लीजिए कि आप देखिए न्यायालय हर समय हस्तक्षेप करता रहे तो संसद का महत्व क्या रह जाएगा, तो उसी की बात की गई है। फिर संविधान का भाग 5 ही आप लोग इसमें अध्याय 3 पढ़ेंगे, और अध्याय 3 में आप लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात की गई है। राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि वो अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई। मान लीजिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा की बैठक नहीं चल रही है, और बहुत जरूरी कोई कानून की जरूरत है, तो आप देखें कि ये आना भी तो चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये राष्ट्रपति साहब के पास शक्ति है कि वो अध्यादेश ला सकती है, और ये अध्यादेश भी उतना ही ताकतवर होगा जितना वो कानून होता है। बस इसमें एक काम है, जब आपके संसद के सत्र चालू हो जाएंगे तो उसमें आप लोगों को पास करवाना होगा, अगर पास नहीं करवाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद आप देखेंगे अनुच्छेद इसमें 124 यानी कि अध्याय संविधान का भाग 5 अध्याय 4 इसमें संघ की न्यायपालिका की बात करता है, और इसमें आप देखिए संघ की न्यायपालिका यानी कि आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है आपके राज्यों में, हाई कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 124 और याद रखिए संघ की जो न्यायपालिका है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय है, इससे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संगठन की बात की गई है आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 का इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है आपकी परीक्षा में कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात किस आर्टिकल में की गई, तो अनुच्छेद 124 का में। अनुच्छेद 124 खा में आयोग के कृत्य यानी कि क्या कार्य होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 124 गा विधि बनाने की संसद की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। न्यायाधीश आप देखते हैं ना कि आप फ्री फंड में तो कोई न्यायाधीश आपके यहाँ काम नहीं करेगा, आप सोचिए उसे भी तो कुछ जरूरतें उसकी हुआ करेंगी, तो किस तरह का वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 126 में आप देखें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है।
अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात की गई है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना की बात की गई है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात की गई है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है। यहाँ केवल आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए खुले कान रख के। आगे हम लोग इनके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो एक एक आर्टिकल के लिए एक एक क्लास लेने को भी तैयार रहूंगा, तो परेशान मत होना है। अनुच्छेद 131 का केंद्रीय विधियों की संविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता की बात करता है, यह हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात की गई है, यानी कि हाई कोर्ट की बात की गई है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट कहीं एक तरह से अपील करता है तो उस पर उच्चतम न्यायालय क्या करेगा। आगे आप देखेंगे अनुच्छेद 134, 133 में आप देखें, 133 देख लीजिए, उच्चतम न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात की गई है। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात की गई है, अनुच्छेद 134 में। फिर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र की बात की गई है। अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्तव्य होना की बात की गई है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की बात की गई है। अनुच्छेद 137 निर्णयों या फिर आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की बात की गई है। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 139 में कुछ रिट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना बात की गई है, यानी कि इसके पास कुछ रिट निकालने की भी शक्ति है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों का अंतरण करने की बात हो गई है। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना की बात की गई है। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश की बात की गई है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाने की बात की गई है आपसे। फिर आप देखेंगे संविधान का आपका 144 का, इसे वैसे निरस्त कर दिया गया। विधियों की सामाजिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटान के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है, की गई थी, अब हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम आदि की बात की गई है। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों तथा व्यय की बात की गई है। अनुच्छेद 147 में निर्वचन की बात की गई है। अब हम लोग चलते हैं संविधान के भाग 5 अध्याय 5 की तरफ, और इससे क्वेश्चन आप देखिए कि आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, फिर चाहे यूपीपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या और भी आपके एग्जाम हो। तो संविधान का भाग 5 अध्याय 5 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, इसकी नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 149 क्या कहता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां क्या होंगी उससे संबंधित है। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप से संबंधित है। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 4 आपके 148, 149, 150, 151 ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे, और ये संविधान का भाग 5 यहां जाकर खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग संविधान के भाग 6 की तरफ, और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने केंद्र के बारे में, संघ के बारे में बात कर ली है, तो उससे नीचे आप लोगों को राज्य देखने को मिलेगा। तो संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें अध्याय 1, इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 152 को आप लोग पढ़ेंगे तो राज्य की परिभाषा से संबंधित बात की गई है आर्टिकल 152 में। फिर आप देखेंगे संविधान का भाग 6 पढ़ेंगे, इसमें कार्यपालिका
देखेंगे आप लोग, जिसमें आप लोग राज्यपाल को पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। तो संविधान के भाग 6 में अध्याय 2 में कार्यपालिका यानी राज्यपाल को पहले देखते हैं। तो आप देखते हैं कि जिस तरह आप लोग राष्ट्रपति केंद्र में देखते हैं, उसी तरह संघ में आप लोग राष्ट्रपति, उसी तरह राज्यों में आप राज्यपाल देखते हैं। और अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है। आपके राज्य में मान लीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, आपसे ही पूछता हूं, तो आप राज्यपाल होंगे, एक राज्यपाल होगा आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। आनंदीबेन पटेल को कुछ समय पहले देखा होगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की थी, तो ये चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होगी, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होगी, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि क्या होगी, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या होगी, उसकी बात की गई है। और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होंगी, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। आप लोग राज्यपाल बन गए तो उसके बाद आप लोग शपथ लेंगे, तो 159 में शपथ की बात की गई है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन की बात की गई है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति की बात की गई है। और राज्यपाल के पास आप देखिए, किसी को मृत्यु दंड दिया गया तो उसे खत्म करने की शक्ति नहीं रहती है, ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के पास रहती है। अनुच्छेद 162 में आप देखेंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस तरह से, उसका उसके बारे में बात की गई है। फिर आप देखेंगे संविधान का जो भाग 6 है, संविधान का भाग 6 है, इसमें आप देखिए अध्याय 1 में ही आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखते हैं केंद्र में आप लोगों को मंत्रिपरिषद देखने को मिल जाएगी, और राज्यसभा लोकसभा किसी से भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, उसी तरह आप देखिए सदस्य होना चाहिए ना उसका। और इसी तरह आप कई राज्यों में विधानसभा भी देखते हैं, विधान परिषद भी देखते हैं। विधानसभा तो हर जगह आप देखेंगे राज्यों में, लेकिन विधान परिषद आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती है। तो इसमें आप देखें तो अनुच्छेद 163 क्या कहता है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद देखने को मिलेगी। यही आप लोगों ने राष्ट्रपति के मामले में संघ क्षेत्र में केंद्र में पढ़ा था। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात की गई है। फिर आप लोग राज्य का महाधिवक्ता की बात करता है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा, इसकी बात की गई है, ठीक है। फिर आप देखेंगे सरकारी कार्य का संचालन, यानी कि अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन किस तरह से होगा। अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। वहां राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई थी, और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है। इसी में आप लोग संविधान के भाग 6 में अध्याय 3 पढ़ेंगे और राज्य के विधानमंडल को आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साधारण में आप देखिए तो अनुच्छेद आर्टिकल 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन की बात करता है कि राज्य में विधानमंडल यानी कि राज्यसभा, माफ करिएगा, आपका विधानसभा और विधान परिषद की बात करता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन की बात करता है, बनाने की बात करता है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 173 राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है। अनुच्छेद 174 राज्यों के विधानमंडल के सत्य और सत्तावसान और विघटन की बात करता है। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का उनको उनको संदेश भेजने का राज्यपाल के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की बात करता है। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकारों की बात करता है। और आपको बता दूं राज्य के विधानमंडल में के अधिकारों की बात अधिकारी की बात करता है कौन सा, इसमें आप देखिए अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। वहां आप लोगों ने देखा होगा, लोकसभा राज्यसभा में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
अनुच्छेद 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने, पद त्याग और पद से हटाए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों के पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की, उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है। मान लीजिए कि अध्यक्ष नहीं है तो उसके उस पद पर कौन काम करेगा, उसके जो भी शक्तियां हैं उनका उपयोग कौन करेगा, उसी की बात करता है। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। इस तरह हम लोगों ने बात की हुई है, आपको समझ में आ गया होगा और नहीं आया है तो आगे आ जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति उपसभापति की बात करता है। आप लोग राज्यसभा की और विधान परिषद की तुलना एक तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 183 सभापति उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्याग, पद से हटाए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 184 क्या कहता है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात करता है। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल के सचिवालय की बात करता है। फिर आप देखिए कार्य संचालन, तो अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात करता है। काफी हद तक आप लोग केंद्र सरकार में जो पढ़े थे उसी से राज्य सरकार में तुलना होती जा रही है, ठीक है। फिर आप देखिए सदस्यों की निर्भरताओं की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होने की बात करता है जो सदस्य होते हैं हमारे, ठीक है, विधानसभा में विधान परिषद में। अनुच्छेद 191 सदस्यों के लिए निर्भरताएं क्या होनी चाहिए उसकी बात करता है। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय की बात करता है। अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित ना होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति की बात करता है अनुच्छेद 193। फिर आप देखिए इसी में संविधान के भाग 6 में राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों की बात करता है आपका, कौन सा अनुच्छेद 194 क्या कहता है इसमें, अनुच्छेद 194 क्या कहता है। और संविधान का भाग 6 अध्याय 3 ही अभी चल रहा है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 194 कहता है कि विधानमंडलों के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि की बात करता है। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात करता है। फिर आता है विधायी प्रक्रिया, इसमें आप देखिए अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 197 धर्म विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन की बात करता है। देखिए धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद हो या फिर राज्यसभा हो केंद्र सरकार में, उनके पास ज्यादा शक्तियां नहीं रहती हैं। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 200 विधेयक पर अनुमति की बात करता है। अनुच्छेद 201 ये आपका विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात करता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसी में वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। अब आप देखिए केंद्र में जो बजट आता है पैसा की बात होती है कि यहाँ इतना दिया जाएगा, यहाँ इतना दिया जाएगा, तो राज्यों को भी चलाने के लिए आप देखिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो उसी तरह बजट आपका राज्यों में भी रखा जाता है। और आपने देखा होगा यहाँ भी आप लोग बजट पढ़ते हैं राज्यों में, हर साल आता है, हर साल आप लोग पढ़ते होंगे और उससे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो 202 आप लोगों को याद रखना होगा। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक की बात करता है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान की बात करता है। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, वित्तीय अनुदान, अपवादानुदान की बात करता है। अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। इसी में आप लोग साधारणता प्रक्रिया की बात होगी तो आर्टिकल 208 पढ़ेंगे तो प्रक्रिया के नियम की बात करता है। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की बात करता है, ठीक है। और
अनुच्छेद 210 में आप लोग जाइए तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या हुई उसकी बात करता है। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन की बात करता है। अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच ना किए जाने की बात करती है। ठीक है, फिर आप आएंगे संविधान के भाग 6 में अध्याय 4 में, तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद आप लोग 213 जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो विधानमंडल के विस्तारांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति की बात होती है। और मुझे लगता है जब हम लोग संघ में आप लोग राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे तो उस समय आप लोगों ने एक अनुच्छेद पढ़ा होगा, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 1, 2, 3 को, अनुच्छेद 123 को। इसमें क्या कहा गया था कि संसद के विस्तारांति काल में, यानी कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, बैठकें नहीं चल रही है, उस समय अध्यादेश प्रख्यापित यानी कि अध्यादेश लाने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई। उसी तरह आप देखिए कि राज्यों में भी नियम कानून की जरूरत बनी रहती है, और मान लीजिए विधानसभा या विधान परिषद नहीं चल रही है तो उस समय आप देखिए उसे रोका तो नहीं जा सकता है, तो उस समय हमारे राज्यपाल साहबों के पास ये शक्ति रहती है कि वो अध्यादेश ला सकती है। ठीक है, और इसमें संविधान के भाग 6 में आप लोग जैसे ही अध्याय 5 पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है आपका, ये कहता है कि राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है। आप देखते हैं जिस तरह आप लोगों ने हाईकोर्ट देखा है उसी तरह आपकी राज्यों में क्या देखता है, माफ करिए सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट में के बारे में उसी तरह राज्यों में आप लोग हाईकोर्ट के बारे में भी पढ़ते रहते हैं। तो अनुच्छेद 214 आप लोगों को याद रखना है, और आप लोगों ने अगर अनुच्छेद 124 आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे लगता है पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, अभी पढ़ के हम लोग निपटे हुए हैं। तो अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के स्थापना और गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद 124 है। उसी तरह आप लोग राज्यों में 214 आप लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद 214 पढ़ेंगे तो यह कहता है कि राज्यों के लिए उच्चतम, माफ करिए उच्च न्यायालय की बात करता है, यानी कि हाईकोर्ट की बात करता है। अनुच्छेद 215 ये उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने की बात करता है, उच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन की बात होती है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों की बात होती है। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होने की बात होती है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात होती है। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन की बात होती है। अनुच्छेद 224 माफ करिए 221 अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि की बात करता है। अब आप देखिए न्यायाधीश उसमें रहेंगे तो उन्हें वेतन की जरूरत तो पड़ेगी, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्चतम उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण की बात होती है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात होती है। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है। अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की बात होती है। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात होगी। जब हम आपने देखा होगा कि हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तब मैंने कहा भी था कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 का अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किए जाना, ये हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण करने की बात होती है। अनुच्छेद 228 ये भी हटा दिया गया का राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में उपबंध विशेष उपबंध ये निषिद्ध हटा दिया गया है, खत्म हो चुका है। फिर आप देखिए अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय की बात होती है, जो पैसा खर्च होता है उसी की बात हो रही है। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार की बात होती है कि कहां किसका विस्तार होगा। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात होती है। पंजाब हरियाणा को देख लीजिए, समझ रहे, तो दो राज्यों के लिए एक उच्चतम
उच्च न्यायालय भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है। फिर आप देखिए संविधान का भाग छह पढ़िए, अध्याय छह पढ़ेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय की बात होती है, जिला न्यायाधीश आप देखते हैं ना कि लोकल में। आर्टिकल 233 आप लोग पढ़ेंगे तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है। आर्टिकल 233 का में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्य करने की बात होती है। अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती की बात होती है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों की पर नियंत्रण की बात होती है। अनुच्छेद 236 में निर्वचन की बात होती है। अनुच्छेद 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होने से संबंधित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब आता है भाग सात संविधान का, और मुझे लगता है आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो इसमें आर्टिकल पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, इसमें आपका आर्टिकल 238 था, इसे हटा दिया गया, ठीक है। भाग सात को पहली अनुसूची के भाग का के राज्य से संबंधित था, ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए मुझे लगता है। फिर आप देखेंगे संविधान का भाग आठ आता है, संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो संघ राज्य क्षेत्र समझ रहे हैं आप लोग, तो जैसे संघ राज्य क्षेत्र कहने का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र के अंडर में आ जाते हैं एक तरह से। 239 को पढ़िए आप लोग, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात होती है आर्टिकल 239 में। आर्टिकल 239 का पढ़ेंगे तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों, मंत्री परिषदों का या फिर दोनों का सृजन की बात होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली को देख लीजिए, पुडुचेरी को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, तो इन्हीं की बात हो रही है। अनुच्छेद 239 का ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 239 का खा सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध की बात करता है। अगर यहां कहीं आपसे आर्टिकल लिख किया जाता है 239 ए बी, तो आप लोग इन्हीं को याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आर्टिकल 239 खा में आप लोग पढ़ेंगे तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति की बात करता है। मान लीजिए दिल्ली में उपराज्यपाल साहब हैं और वहां आप देखिए कि एक तरह से विधान जो भी वहां का विधानसभा है नहीं चल रहा है, तो उस समय उन्हें अगर कोई कानून की जरूरत है तो उसी तरह जिस तरह आपने देखा है राष्ट्रपति राज्यपाल, तो उसी तरह प्रशासक के पास भी शक्ति होगी। फिर आप देखिए अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे भी हैं, दमन द्वीप, समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब इनके लिए राष्ट्रपति भी शक्ति बना सकते हैं। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय की बात करता है, कौन से उच्चतम न्यायालय में आएगा। आर्टिकल 242 कुड़गु ये निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया 242, तो याद रखिए। फिर आप आते हैं संविधान के भाग पांच में, संविधान के भाग नौ में, और कभी कभी ये मुझे लगता है कि जब मुझसे बोल देता हूँ पांच तो आप लोगों को बेहतर याद ही रहता है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग क्वेश्चंस गलत करके आते हैं परीक्षा में और हम लोग घर आके उसे मिलाते हैं तो वो क्वेश्चंस का आंसर हमें जिंदगी भर याद बना रहता है, तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को फायदा भी रहता होगा। संविधान का भाग नौ पंचायत की बात की गई है, तो इसमें आर्टिकल 243 आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे परिभाषाओं की बात हो गई है। फिर आप आइए कि इनसे याद रखिए, इनसे आपकी क्वेश्चंस आए हैं परीक्षाओं में, अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस मुझे लगता है कि भाग नौ से आते रहे हैं, तो इसलिए जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले 243 का पर आप लोग चलिए, ग्राम सभा की बात करता है आर्टिकल 243 का। आर्टिकल 243 खा अगर आप लोग पढ़ें तो पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 243 गा ये पंचायतों की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 243 घा स्थानों का आरक्षण की बात करता है। देखिए एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, अगर परीक्षा में 243 ए बी सी डी लिखा हुआ है तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो आप लोग का पढ़ रहे हैं कई बार इंग्लिश में लिख के आ जाता है, इसकी जगह ए लिख के आ जाता है, खा की जगह बी लिख के आ जाता है, तो ए भी आप लोगों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 243 इणा या ना पंचायतों की अवधि आदि की बात करता है। अनुच्छेद 243 चा सदस्यता के लिए निर्भरताओं की बात करता है। अनुच्छेद 243 छा पंचायतों की शक्तियों पर अधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है। अनुच्छेद 243 जा
पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियों की बात करता है। अनुच्छेद 243 झा वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन की बात करता है। आप देखते ना केंद्र सरकार में आप लोगों ने वित्त आयोग के बारे में सुना होगा, उसी तरह राज्यों में भी वित्त आयोग होता है, ठीक है। अनुच्छेद 243 वहां पे ऐसे आप लोग ना कह देते हैं, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करता है, चुनाव की बात करता है। अनुच्छेद 243 ठा एस ठा ठटेरा कर, समझ रहे हैं आप लोग, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने की बात करता है। अनुच्छेद 243 ड़ा, ठीक है, 243 ड़ा इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होने की बात करता है, ढा ढक्कन को ये है 243 ढा, ये विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहने की बात करता है। ये बचपन में आप लोग इसी तरह तो पढ़ते थे। 243 ना ये निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन की बात करता है, रोकने की बात करता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं संविधान के भाग 9 का में, संविधान का भाग 9 पढ़ चुके हैं हम लोग, अब 9 का पढ़ते हैं। तो इसमें नगर पालिकाओं की बात करते हैं, पंचायतों तो आप देखते हैं कि आपके लोकल बॉडी में आप लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन आज नगर पालिका बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां आप लोग नगर पालिकाओं के बारे में सुनते हैं। तो आर्टिकल 243 ता तखज्जा पे पहुंची आप लोग, इसमें परिभाषाओं की बात की गई है। अनुच्छेद 243 धा धनुष, था थन दा दबोध, समझ में आ रहा है कुछ, था थन 243 था, इसमें क्या कहा गया, नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। 243 दा दबोध, नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है। 243 धा, इसमें बाढ़ समितियों आदि के गठन और संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 243 ना, स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 243 पा, नगर पालिकाओं की अवधि आदि की बात की गई है। अनुच्छेद 243 था, इस सदस्यता के लिए निर्धारिताओं की बात की गई है। अनुच्छेद 243 बा, नगर पालिकाओं आदियों की शक्तियों प्राधिकार उत्तरदायित्व की बात करता है। और अनुच्छेद इसमें आप देखें 243 भावट्टी का, नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति, कर अधि यानी टैक्स लगाने की शक्ति, उनकी निधियों की बात की गई है। अनुच्छेद 243 मा मच्छी का, मा ए वित्त आयोग की बात की गई है, ठीक है, इन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, उसी की बात हो रही है। अनुच्छेद 243 यात्री को, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 243 या का, यानी कि ए, अगर इंग्लिश में आप लोग लिखें तो ए, ठीक है, क्या ए क्या है, या का, यानी कि या के बाद फिर का आ जाएगा, ये आ जाएगा आगे, ठीक है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात करता है। 243 या का, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने की बात करता है। अनुच्छेद 243 या गा, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होने। अनुच्छेद 243 या घा, घड़ी का, जिला योजना के लिए समिति की बात करता है। 243 या ना, महानगर योजना के लिए समिति की बात करता है। अनुच्छेद 243 या चा, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बनाए रहने की बात करता है। अनुच्छेद 243 या चा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन की बात करता है। तो इन्हें इंग्लिश में, हिंदी में आप लोग थोड़ा एक पेज लीजिए, उस पर लिख लीजिए आप लोग, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को लंबे समय तक याद भी रख पाएगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, भाग 9 खा में चलते हैं। 9 खा, इसमें सहकारी सोसाइटियों की बात की गई है। तो जैसे ही आप लोग आर्टिकल 243 या जा पढ़ेंगे तो परिभाषाओं की बात होगी। अनुच्छेद 243 या झा पढ़ेंगे, झा झंडा का, सहकारी सोसाइटी के निगमन की बात होगी। अनुच्छेद 243 या उहां की बात या ना की बात करेंगे तो बोर्ड के सदस्यों, उनके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि की बात होगी। अनुच्छेद 243 या टा, बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन की बात होगी। अनुच्छेद 243 या ठा, बोर्ड के अधिक्रमण और निलंबन अंतरिम की प्रबंधन की बात होगी। अनुच्छेद 243 या ना, इसमें आप देखेंगे डा है, ठीक है, सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा की बात होगी। आर्टिकल 243 या डाड़ालिया, ढाड़क्कन यानी कि या डा, तो साधारण निकाय की बैठक
संयोजित करने की बात होती है। अनुच्छेद 243 या ना ए सूचना प्राप्त करने के सदस्यों के अधिकार की बात होती है। अनुच्छेद 243 या ता विवरणियों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 या था अपराध और शक्तियों की बात होती है। अनुच्छेद 243 या दा बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होने की बात करता है। आर्टिकल 243 या दा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने की बात करता है। अनुच्छेद 243 या ना विद्यमान विधियों का जारी रहने की बात करता है। और मुझे लगता है कि आजकल आपके जो पेपर आते हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों दी जाती है, तो इंग्लिश में आप लोग अगर रट लें तो मुझे लगता है कि बेहतर आप लोगों को याद रख पाओगे। तो जिस हिसाब से आप लोगों को सूटेबल लगे, अच्छा लगे, आप लोग कर लीजिएगा इसे, ठीक है। आपका संविधान का 10, ये क्या कहता है आपका संविधान का भाग 10, ये आप क्या देखें, आप लोगों ने सुना होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, एससी एसटी के बारे में सुना है आप लोगों ने। और आप सभी जानते हैं कि एसटी एससी से क्वेश्चंस भी बहुत आते रहते हैं आपकी परीक्षाओं में, और खासकर एमपी के जो एमपी गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी का भी, उनमें भी आपके बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस इस अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति से आते रहते हैं। तो संविधान के भाग 10 में आप लोग अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 244 क्या कहता है, ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। आप समझ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि अगर अभी आपको देखना है अपनी पुरानी संस्कृति को, तो आप अनुसूचित जाति के लोग या अनुसूचित जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां जाकर आप लोग देखिए, ये पुरानी पद्धति से जीते हैं, अभी भी अपना जीवन यापन करते हैं। और याद रखिए एक बात, कभी भी घूमने के लिए इनके क्षेत्र में आप लोग जाते हैं तो इनके बारे में पहले से ही जानकारी इकट्ठी कर लिया करिए, क्योंकि कई बार आपको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि कई लोगों की इन्होंने डेथ भी, यानी कि मौत भी कर दी, हत्या भी कर दी, समझ रहे हैं आप लोग, इन्हें लगता है कि ये हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 244 का, ये कहता है कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या फिर मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करना, यानी कि दोनों को बनाना, असम के मामले में बात हो रही है। तो 244 का ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये आपका है संविधान का भाग 10। अब हम लोग चलते हैं संविधान के भाग 11 की तरफ। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप लोग जब भी पेपर देने जा रहे हैं उसके पहले आपने देखा होगा कि आप लोग रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन के पॉइंट व्यू से आप इस क्लास को रख सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होता है उसके एक दिन पहले आप लोग केवल आर्टिकल पढ़ते हैं, इनके विस्तार में नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं। तो संविधान के भाग 10 में आप लोग पढ़ेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि देखिए संघ सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार है, और राज्यों में अपनी अपनी सरकारें हैं, तो केंद्र के बीच और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे उन पर बात की गई है। तो सबसे पहले अध्याय 1 को पढ़ते हैं हम लोग संविधान के भाग 11 में, और ये कहता है विधायी संबंध की बात करता है, विधायी शक्तियों का वितरण किस तरह से होगा, कि कौन से कानून केंद्र सरकार बनाएगी, कौन से कानून आपकी राज्य सरकारें बनाएगी। और आप सभी लोगों ने सातवीं अनुसूची में पढ़ा भी होगा, तीन तरह की सूचियों के बारे में पढ़ा होगा, संघवर्ती सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। आप सभी जानते हैं राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, संघ सूची पर संघ जो केंद्र सरकार होती है वो कानून बनाती है, संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकती है, राज्य भी और आपकी केंद्र सरकार भी। लेकिन याद रखिए अगर दोनों में टकराव है तो वहां सबसे शक्तिशाली कानून रहेगा केंद्र का, ठीक है। और ऐसी भी कई परिस्थिति रहती है कि राज्य के विषय पर कानून आपका केंद्र भी बना सकता है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 क्या कहते हैं, ये कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी कि कहने का मतलब यह है कि संसद द्वारा या राज्यों के द्वारा जो कानून बनाए गए उसका विस्तार क्या होगा, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 246 कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु की बात करता है। अनुच्छेद 246 कहता है का माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 247 कहता है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों की बात करता है, यानी कि आप देखिए तीनों अनुसूचियों में कोई भी इस तरह का विषय नहीं है, तो वो एक तरह से केंद्र के अंडर में आ जाता है, उसे अवशिष्ट शक्तियां विषय कह देते हैं आप लोग,
फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। मान लीजिए किसी देश के साथ आप लोगों ने करार किया हुआ है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार उस पर मना करे, तो आप देखिए कि संसद के पास इस तरह की शक्ति है कि वो कानून बना सकती है राज्य के मामले में, ठीक है। फिर आप देखें अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या फिर आप सभी जानते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, उस समय की बात हो रही है कि उस समय अगर कानून की जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार आपकी संसद आपकी कानून बना सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 251 क्या कहता है? ये कहता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति यानी कि बात की गई है। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। आप सोचिए कि अगर दो राज्यों में कहीं एक तरह से लड़ाई चल रही है, दोनों सहमति जता लेते हैं कि चलिए केंद्र सरकार जो कानून बना देगी संसद उसे मान लेंगे, तो उसी की बात की जा रही है आर्टिकल 252 में। आर्टिकल 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, जो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग संबंध बनाते हैं, हम लोग एक तरह से कुछ समझौता करते हैं, उन्हें प्रभावी करने के लिए की बात की जा रही है। अनुच्छेद 254 कहते हैं कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की बात करता है, दोनों में टकराव की बात करता है। अनुच्छेद 255 कहता है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। और तो इसमें संविधान के भाग 11 में ये पहला आपका अध्याय खत्म होता है। अब चलते हम लोग संविधान के भाग 11 के अध्याय 2 की तरफ, और अध्याय 2 में आप लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध राज्यों के और संघ सरकार के बीच प्रशासनिक संबंध किस तरह से होंगे उसकी बात की गई है। और आप सोचिए कि अगर संविधान में ये पूरी व्याख्या ना की जाती तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लड़ती रहती आपस में, इसलिए उनके अधिकार एक तरह से तय कर दिए गए संविधान में। तो इसमें 256 आप लोग पढ़ेंगे राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कहता है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य पावरफुल नहीं है केंद्र सरकार से, संघ सरकार हमारी केंद्र सरकार पावरफुल है, हमारी अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में आप देखिए अगर कोई राज्य चाहे तो वो अलग हो सकता है, लेकिन हमारे देश में अगर वो भारत से अलग होना चाहे तो भूल जाए, उसके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। आप देखिए तरह तरह की मांग उठते भी रहते हैं, क्या हुआ सब दबा दी जाती है। अनुच्छेद 257 का ये कहता है संघ के सशक्त बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता, इसे हटा दिया गया, ठीक। अनुच्छेद 258 कहता है कि कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति यानी कि केंद्र सरकार की शक्ति, ठीक है। फिर है आपका 258 का ये कहता है कि संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति यानी कि कोई काम सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के सशक्त बल, इसे हटा दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 260 कहता है कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 कहता है कि सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयों की बात करता है, ठीक है। फिर एक आपने देखा होगा कि जल संबंधी विवाद भी चलता रहता है, नदियों को लेकर भी चलता रहता है, आपने समझ रहे हैं। तो 262 अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 क्या कहता है? ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय नदियों या फिर नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, क्योंकि आपने देखा होगा कई राज्यों में इस तरह के विवाद चलते रहते हैं। फिर आप देखिए कि अनुच्छेद 263 क्या कहता है? ये कहता है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, अंतर राज्य परिषद के बारे में बात की गई है आर्टिकल 263 में। आप लोग टेंशन मत लीजिए, विस्तार से बात करेंगे हम लोग अंदर जाकर, ठीक है, बहुत विस्तार से बात करेंगे, आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो संविधान का 11 भाग 11 खत्म होता है। अब हम लोग 12वीं की तरफ चलते हैं, संविधान के भाग 12 की तरफ। इसमें वित्त संपत्ति समुदायें और उपवाद की बात की गई है, और सबसे पहले इसमें अध्याय 1 को पढ़ते हैं हम लोग, और इसमें वित्त यानी कि पैसे की भी तो जरूरत होती है, तो क्या बात की गई है। तो 264 आप लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो निर्वचन की बात की गई है। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकरण के बिना करों या का अधिरोपण ना किया जाना, यानी कि करों के टैक्स की बात की गई है कि अगर आप विधि के प्राधिकार नहीं है तो उसके बिना आप लोग अधिरोपण नहीं कर सकते हैं कर के, ठीक है। अनुच्छेद 266
भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे की बात की गई है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि की बात की गई है। फिर आप देखेंगे संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की बात की गई है, यानी कि जो पैसा है उसका वितरण तो होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर टैक्स आपने देखे होंगे कि केंद्र सरकार ही वसूल करती है, उसके पास ही जाते हैं। तो आर्टिकल 268 आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क की बात की गई है। अनुच्छेद 268 का में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले बालाओ संघ तथा राज्यों द्वारा संगीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर, इसे हटा दिया गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 269 क्या कहता है। ये कहता है कि संघ द्वारा उद्गृहित और संगीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, यानी कि कहने का मतलब कि संघ सरकार ही उनको लगाती है, उन्हें संगीत भी करती है, उन्हें इकट्ठा भी करती है उन करों को, टैक्स को, और राज्यों को दे देती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 269 का, ये अंतर्राज्यिक व्यापारी व्यापार या फिर वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण की बात करता है। अनुच्छेद 270 कहता है कि उद्धृत कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण की बात करता है। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार की बात करता है कि आप टैक्स ले रहे हैं उस पर भी अधिभार लगा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 272 एक कर जो संघ द्वारा उद्धृत और संगीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते सकेंगे, इसे हटा दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान की बात की गई है। आप सभी जानिए कि जूट और जूट से बने जो भी उत्पाद होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में एक तरह से हमारे यहाँ रोजगार भी देते थे, आजकल तो आप देखिए कम होते जा रहे हैं। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाती है। अनुच्छेद 274 में, किसमें? 274 में। फिर आप देखेंगे 275 कहता है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान यानी कि मदद, कुछ राज्यों को अनुदान की यानी कि संघ यानी कि केंद्र सरकार से मदद की बात की गई है आर्टिकल 275 में। आर्टिकल 276 कहता है कि वित्तियों व्यापारों और आजीविकाओं और नियोजन पर कर की बात, इन पर टैक्स लगाने की बात होती है। फिर आप देखिए 277 कहता है व्यवृत्ति की बात करता है। अनुच्छेद 278 कहता है कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों से करार, ये हटा दिया गया है। अनुच्छेद 279 कहता है शुद्ध आगम आदि की गणना। 269 का क्या कहता है, माफ करिए 279 का क्या कहता है, माल और सेवा कर परिषद की बात करता है। ये आपने देखा कुछ समय पहले ही जोड़ा गया था। फिर आर्टिकल 280 वित्त आयोग की बात करता है, और आर्टिकल 280 को कई बार क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा चुका है, पूछ लेता है कि वित्त आयोग की व्यवस्था किस संविधान के किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 280 281 कहता है कि वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करता है, 81 को भी आप लोगों को याद रखना होगा। फिर आप देखेंगे केंद्र वित्तीय उपबंध, ये संविधान का भाग आप देखिए कि 12 ही चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, 12 ही हम लोग देख रहे हैं अभी, 12 खत्म नहीं हुआ आपका। तो 282 कहता है कि संघ या राज्यों द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय की बात करता है। 283 संचित निधियों आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि की बात करता है। 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा की बात करता है। 285 कहता है कि संघ की संपत्ति को राज्यों से के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 कहता है कि माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 कहता है कि विद्युत पर करों से छूट, बिजली। अनुच्छेद 288 जल या फिर विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 कहता है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 कहता है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन की बात करता है। 290 का एक कुछ देव श्रम निधियों को वार्षिक संदाय की बात करता है। अनुच्छेद 291 शासकों की निजी थैली की राशि, इसे हटा दिया गया है। 291 को बस याद रख सकते हैं आप लोग, लेकिन इसे हटा दिया गया है। फिर आप देखिए कि संविधान का भाग जो 12 है इसमें अध्याय दूसरा, इसमें उधार लेने की बात की गई है। मान लीजिए कि आप लोग कमाते हैं पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी आपके पास कमी पड़ जाती है, आप अपने दोस्तों से ले लेते हैं या किसी साहूकार से ले लेते हैं, या आपने देखा होगा बैंक से लोन ले लेते हैं,
तो उसी तरह आप देखिए सरकारों को भी तो कमी पड़ती रहती है। तो आर्टिकल 292 ये क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, या कि जो भारत सरकार है उस वो भी उधार लेती है। और समय समय पर आप लोग रिपोर्ट देखते रहते हैं कि विदेशों से भारत ने इतना कर्ज लिया हुआ है, भारत ने यहाँ से इतना कर्ज लिया हुआ है, तो आप ही ऋण नहीं ले रहे हैं, सरकारें भी कर्ज लेती हैं। 293 कहता है राज्यों द्वारा उधार लेना, जो आपकी राज्य सरकार है ये भी उधार लेती रहती है। तो आर्टिकल 292 को याद रखना है, आर्टिकल 293 को भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। फिर अध्याय 3 है आपका, ये क्या कहता है, संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व और बाध्यताएं और बाध, इसमें अनुच्छेद 294 को आप लोग पढ़िए, कुछ दशाओं में संपत्ति अस्थियों और अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार की बात की गई है। उत्तराधिकार कहने का मतलब होता है कि इसका उत्तराधिकार कौन होगा, इस संपत्ति का किसके हाथ में आगे आने वाले समय में जाएगा, समझ रहे हैं। अनुच्छेद 295, अन्य दशाओं में संपत्ति अस्थियों और अधिकारों दायित्वों बाध्यताओं का उत्तराधिकार, आप लोग भी तो कहते रहते हैं कि इन्होंने इतना अपना उत्तराधिकार इसे चुन लिया, राजनीतिक उत्तराधिकार इसे चुन लिया, संपत्ति का अधिकार उत्तराधिकारी इसे चुन लिया है। अनुच्छेद 296, राजगामी या फिर विवगत या स्वामी विहीन होने से बुद्धि संपत्ति, यानी कि उसका स्वामी ही नहीं है, या आप कहिए कि या उसे ले लिया गया है, समझ गए। 297, राज्य क्षेत्रीय सागरखंड और या फिर महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना, यानी कि आप देखते हैं ना कि आपके जो राज्य क्षेत्रीय सागरखंड है या फिर महाद्वीपीय मग्न तट है, उसमें कोई मूल्यवान वस्तु मिलती है, या आप सभी जानते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात हो रही, वहां कुछ खनिज मिलते हैं, तो उस पर किसके अधिकार होगा, केंद्र सरकार का, ठीक है। अनुच्छेद 298 98 व्यापार करने आदि की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 299 संविदाओं की बात की गई है। अनुच्छेद 213 299 300 बाद और कार्यवाहियों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 300। अब चलते हैं संविधान के भाग 12 में अध्याय 4 की तरफ, संपत्ति का अधिकार। और आप सभी लोगों को पहले भी बताया हुआ था, पहले संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आपने देखा होगा कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 300 का या 300A, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, यानी कि आप देखिए कि आपकी संपत्ति अगर सरकार को चाहिए तो जो नियम विधि जो कानून बना हुआ है उस हिसाब से लेंगे, आपको मुआवजा दिया जाएगा बहुत अच्छे से, समझ रहे हैं, जबरदस्ती आपसे नहीं किया जाएगा वहां, लेकिन आपको देना होगा, हर हाल में देना होगा, ये तो क्लियर है। फिर बढ़ते हैं संविधान का भाग 13, संविधान का भाग 13 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बीच भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है, भारत के अंदर की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात नहीं हो रही इसमें। तो 301 कहता है कि व्यापार वाणिज्य और सगा समागम की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधियों विधायी शक्तियों पर निर्बंधन की बात की गई है। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन की बात की गई है। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की बराबरती की बात की गई है। अनुच्छेद 306 पहली अनुसूची के भाग खा के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण पर की शक्ति, इसे हटा दिया गया है, ठीक है, खत्म कर दिया गया। 307 कहता है कि अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 304 के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 307 में, ठीक है। तो ये है संविधान का भाग 13। अब संविधान के भाग 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है, संघ और राज्यों के बीच अधीन जो भी बीच सेवाएं होती हैं उनकी बात करता है। तो इसमें अध्याय 1 को आप लोग पहले पढ़िए, क्या कहता है, निर्वचन की बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 308। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 309 क्या कहता है, संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों की बात की गई है, आपकी नौकरी की बात की जा रही है, सीधी सी बात। अनुच्छेद 310 कहता है संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कितनी होगी, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 311 में संघ या राज्यों के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पद पदयुक्त किया जाना या पद से हटाया जाना या फिर
पंक्ति में औन्नत किया जाना, यानी कि इसका मतलब सीधा सा पद से हटाए जाने की बात होती है कि जो भी व्यक्ति है अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन्हें हटाना भी जरूरी होती ना। देखिए सबसे जरूरी आर्टिकल 312 है, अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है। 312 का क्या कहता है? कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रीति संगत करने की संसद की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 314 कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध, इसे हटा दिया गया। ठीक है 314 को। अब आते हैं आप लोग संविधान के भाग 14 अध्याय 2 में लोक सेवाएं, और ये आपके लिए जरूरी है और आप लोगों ने कई लोग इसकी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 315 को पढ़िए, संघ और राज्यों की लोक सेवा आयोग। आप सभी जानते हैं कि आपके केंद्र में यूपीएससी आप लोग देख लेते हैं, स्टेट में स्टेट पीसीएस जिसमें एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीसीएस, समझ रहे हैं? तो इन्हीं की बात हो रही है। 316 कहता है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात करता है कि जो आपका संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग हुए इनमें सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि किस तरह की रहेगी। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अब उसकी नियुक्ति हो गई, उसकी पदावधि की बात हो गई, तो उसे हटाने की भी बात तो होगी कि अगर कुछ गलत काम करता है या तो उसे हटाया जा सके। तो 317 में ये बात की गई है। 318 में आयोग के सदस्यों कर्मचारी बिंद की सेवा की शर्तों के बारे में भी विनियम बनाने की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध की बात की गई है। 320 में लोक सेवा आयोग के कामों की बात की गई है, कृत्य की बात की गई है। अनुच्छेद 321 में से लोक सेवा आयोगों के कृत्यों के विस्तार करने की यानी कि कार्यों के विस्तार करने की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय की बात की गई है, पैसा भी तो खर्च होगा। अनुच्छेद 324 में 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन की बात की गई है। तो ये आपका संविधान का भाग 14 अध्याय 2 खत्म होता है। अब आप लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 14 का, ठीक है? संविधान का भाग 14 का या 14 ये भी कह सकते हैं, इसमें अधिकरण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो संविधान का 223 का ये कहता है प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। अनुच्छेद 223 खा ये अन्य विषयों के लिए अधिकरण की बात करता है। इन्हें का खा गा को भी याद रखा करिए, इस तरह के जो भी रहते हैं। अब चलते हैं संविधान के भाग 15 में, और मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव टाइम टाइम पर होते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि ऐसा साल कहीं जाता ही नहीं जब चुनाव किसी ना किसी राज्य में ना देखने को मिले आपको, समझ रहे? तो 324 को आप लोग चलिए निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहता है निर्वाचनों की अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ये आर्टिकल डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है, 324 में की गई है। और जो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद होती है, जो भारत सरकार भारत लेवल पर इंडिया लेवल जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग होता है इसके द्वारा कराया जाता है। जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं जैसे आपका सरपंच का हो गया, पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में अपना चुनाव आयोग होता है। साफ बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के आबद्ध ना होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक में नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाना। किस धर्म से हैं आप लोग, किस मूल वंश के हैं, किस जाति के हैं, क्या लिंग है आपका, इस पर आप लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश में आप देखिए कि आपके वोट की भी उतनी कीमत है जो गरीब के की है या अमीर कोई व्यक्ति है उसके वोट की कीमत है। अगर एक वोट की कहीं कीमत कमी पड़ी तो आपके वोट से भी वो चुनाव हार सकता है, जीत सकता है, और उसके अमीर के वोट जो बड़ा आदमी है उसके वोट से भी वही शक्ति रहेगी, ठीक है। अनुच्छेद 326 कहता है लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जब 18 साल के आप लोग हो चुके होते हैं तो आप लोग वोट डालने की उम्र में पहुंच चुके होते हैं। और अगर आप लोगों को चुनाव लड़ना है तो आप लोगों को बता दूं, विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपकी
उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और राज्यसभा का चुनाव लड़ना है सदस्य का, तो 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है 35 साल होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए 35 साल और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल, ठीक है। अनुच्छेद 327 की तरफ बढ़ते हैं। विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 338, 328 क्या कहता है? किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का को रोकने की बात की गई है। अनुच्छेद 329 प्रधानमंत्री अध्यक्ष और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध की बात की है, इसे हटा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं संविधान के भाग हम लोग 16 की तरफ। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। आप देखिए कि हमारे जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए विशेष उपबंध की बात की गई है, समझ रहे, आरक्षण की बात की गई है। तो आर्टिकल 330 को देखिए आप लोग, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप लोगों में से कई लोग कंफ्यूज बने रहते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग अगर सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप लोग कुतर्क नहीं करते होंगे, आरक्षण को लेकर आपकी एक सोच भी रहती होगी कि आरक्षण जरूरी है। अब कई लोग तो बिल्कुल नकार देंगे और कई लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल जरूरी है, तो एक बीच का रास्ता आप लोगों को अपनाना होगा, वरना आप लोग फंस जाएंगे। आप लोग जब भी क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं और आपसे इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बड़ा जागरूक रहना है आपको भाई, ठीक है। तो जो आप देखते हैं लोकसभा, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की बात की गई है, ठीक है, यानी कि उनके सदस्यों के लिए आरक्षित सीट की बात की गई है। आपके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में भी देखते होंगे कि आपके यहाँ अनुसूचित जाति का लोग या अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र कोई व्यक्ति अगर आरक्षित होगी सीट तो लड़ते जरूर होंगे, उस पर सामान्य ओबीसी वाले लोग खड़े भी नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, अब आपको बता देता हूं इसे हटा दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ समय से वैसे भी इनकी मनोनीत नहीं किया जा रहे थे, नियुक्ति नहीं हो रही थी, तो इसे आप लोग हटा दीजिए। 332 की तरफ चलिए, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई। आपके राज्य में भी आपने देखा होगा, आप लोग बताइए कितनी आपके यहाँ लोकसभा में आरक्षित हैं इनके लिए, राज्यसभा में, राज्य में कितनी, विधानसभाओं में कितनी सीटें हैं आरक्षित, बताना है आप लोगों को नीचे कमेंट में। अनुच्छेद 333 में चलिए, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात की गई है। 331 और 333 आर्टिकल को हटा दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 334 में आप देखेंगे स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का स्तर 70 वर्ष के पश्चात ना होना, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बढ़ता रहता है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के दावे की बात की गई है। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के विशेष उपबंध की बात की गई है। और फिर आप देखें अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की गई। ये आर्टिकल कई बार पूछ लिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत इसकी बात की गई, तो आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 का या ए, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई। अनुच्छेद 338 खा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण की बात की गई है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की बात की गई है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है। अनुच्छेद 342 का सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की बात की गई है। इन सभी आर्टिकल को मुझे लगता है हर हाल में आपको याद रखना चाहिए, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते रहते हैं, क्या होते हैं, पूछ लेता है। अब चलते हैं हम लोग संविधान के भाग 17 की तरफ, और इसमें आप लोग राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अध्याय हम लोग एक पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है अध्याय एक, इसमें अध्याय एक कह रहा है आपसे संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, और आर्टिकल 243 संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है। 200
माफी चाहता हूँ, आजकल 200 ज्यादा आ रहा है पता नहीं क्यों। 343 की बात कर रहा हूँ, 343 की बात कर रहा हूँ, संघ की राजभाषा की बात की गई है। 344 में आप देखेंगे राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात की गई है कि संघ सरकार की क्या भाषा होगी, राज्यों की क्या भाषा होगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे संविधान में के भाग 17 में अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं की बात की गई है। इसमें 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 346 में एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा, यानी कि पत्र जो आप दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, इसकी क्या भाषा हुई, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। आप सोचिए किसी राज्य में कोई समूह है, ऐसा जनसंख्या है जो भाषा बोलती है, तो उसे रक्षा या विशेष उपबंध किया जाए, उसके बारे में इसी की बात की है। फिर आप देखेंगे संविधान का भाग 17 में अध्याय 3 पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा की बात हो रही है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसमें कौन सी भाषाओं में लिखित जो पत्र होंगे उनका क्या भाषा रहेगी। तो अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई। ठीक है, जो अधिनियम होते हैं, विधेयक होते हैं, इनमें किस भाषा का उपयोग किया जाएगा उसी की बात की जा रही है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। फिर संविधान के भाग 17 में अध्याय 4 की तरफ आप लोग पढ़ेंगे और विशेष निर्देश दिए गए हैं उसमें, तो इसमें 350 आर्टिकल को पढ़िए, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई है। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की बात की गई है। आप लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर पर जो भी शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में दी जाती है। ठीक है, 350 का। फिर आप देखेंगे 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की बात की गई है। भाषाई अल्पसंख्यक कहने का मतलब है कि उस क्षेत्र में आप देखिए कम ही लोग हैं वो भाषा बोलने वाले, तो उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग कह देंगे, उसके लिए उनके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात की गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आपका संविधान का भाग 18 क्या कहता है, आपात उपबंध। आपात उपबंध राष्ट्रीय आपातकाल आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी को तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, या फिर राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा करते थे। अब तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की स्थिति ही बदल चुकी है, 370 को एक तरह से कुछ हद तक खत्म कर दिया गया, 35A भी हटा दिया गया, लेकिन 370 अभी कुछ उसमें एक आध फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा की बात की गई, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का क्या प्रभाव रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल का, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, यानी कि मान लीजिए जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है उस समय राजस्व का वितरण क्या किस तरह से होगा उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा की बात, संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य की बात की गई है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके राज्य की बात हो रही है कि संघ सरकार क्या करेगी उस मामले में। 356 राज्यों में संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और राज्यपाल इस तरह का कोई अगर राष्ट्रपति राज्यपाल कर लेते हैं विचार तो आराम से हो जाता है। 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों के प्रयोग की बात की गई है। 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, जो अनुच्छेद 19 में आपको अधिकार दिए गए ना बोलने की, बैठक करने की, या आपको संगठन बनाने की, आने जाने की, इस पर पाबंदी लग जाएगी जब आपका क्या होगा आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है, 359 में देखेंगे कि भारत आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। ठीक है, अनुच्छेद 359 का इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना निश्चित, और 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध की बात की गई है। लेकिन आपको बता दूं संविधान के जो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं बताइए। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद भी चाहे 359 को पढ़ लीजिए, 358 को पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें दो और अनुच्छेद आपके खत्म नहीं होंगे। क्या होंगे,
राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी आप देखिए, दो आर्टिकल आपके अनुच्छेद खत्म नहीं होते, इन्हें भी आप लोगों को बड़े गौर से याद रखना होगा, मुझे लगता है कि, और रखना भी चाहिए, समझ रहे हैं? 358 और 359 आप लोग पढ़ते रहते हैं। अनुच्छेद 21 को भी आप लोग पढ़ते रहते होंगे, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, कैसे ही लगे रहते हैं, तो उसे भी पढ़ लिया करिएगा। आप लोगों ने अनुच्छेद 20 और 21 को जरूर पढ़ा होगा मुझे लगता है, और नहीं पढ़ा है इसके बारे में बता देता हूं मैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण। इन आर्टिकल को कभी खत्म नहीं किया जाता है, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तब भी इनका ये बने रहते हैं अस्तित्व में, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 360 को वित्तीय आपातकाल के बारे में वो बंद की गई, यानी कि ये अभी तक देखिए हमारे भारत में उपयोग नहीं किया जा किया गया और ना किया जाए। और ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है कि क्या वित्तीय आपातकाल हमारे भारत में किस किस टाइम लगा था, या कभी लगा था? तो बिल्कुल नहीं लगा था, जब देखिए आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो जाएगी तब लगाया जाता है किसी देश में। चलते हैं संविधान के भाग 19 में, पेकिंग, इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का के बारे में संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 361 संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 361 का लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हताओं की बात की गई है। अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार की बात की गई है, अब इन्हें हटा दिया गया है, हमारे यहाँ कोई राजाओं को विशेष अधिकार नहीं मिले हुए हैं। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन की बात की गई है। अनुच्छेद 263 का, अनुच्छेद 363 का, 263 का कहाँ से आ रहा है? देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत की बात की गई है, और अब ये खत्म भी हो चुका है। 364 महापत्नों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है। पहले आपने देखा होगा राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार मिले रहते थे, तो उन्हें ये सब खत्म कर दिया गया है। 365 संघ द्वारा किए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव की बात की गई है इसमें, अनुच्छेद 365 में, ठीक है? और 366 में परिभाषाएं और 367 में निर्वचन की बात की गई है। अब चलिए संविधान के भाग 20 की तरफ, संविधान का संशोधन। आप सभी जानते हैं कि संविधान में कभी संशोधन की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो अनुच्छेद 368 को पढ़िए आप लोग। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, इस सब की व्यवस्था आर्टिकल 368 में की गई है। फिर आता है आपका संविधान का भाग 21, क्या है? 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। इसमें 369 क्या कहता है? राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो से समवर्ती सूची के विषय हो। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध विशेष, आपने देखा होगा, अधिकार दिए गए थे, अब इसे हटा दिया गया है, ठीक है? इसे अब विशेष अधिकार कोई, देखिए अब सीधी सी बात आप लोगों को एक बात याद रखनी है, वो सभी प्रावधान लागू होंगे जम्मू कश्मीर में जो अन्य राज्यों में लागू होंगे, ठीक है? पहले अब यहाँ भेदभाव कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन 370 में आप देखिए एक पॉइंट अभी बचा हुआ है, ठीक है? 371 में आप देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है, ये आर्टिकल कई बार पूछ लिया है। 371 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 371 का असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 371 का मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 371 का ए आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 371 या ना आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 371 चा सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 371 जा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 371 जा अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है।
अनुच्छेद 371 झा ग्वा राज्य के बारे में संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 371 जा एक कर्नाटक राज्य के संबंध विशेष उपबंध की बात की गई है। क्या विशेष उपबंध है उन्हें हम लोग बीच में अंदर जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवर्तन बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। 373 ये कहता है कि निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। किसी को गिरफ्तारी में रखा गया है, निवारक निरोध यानी कि कहने का मतलब है कि वो उस घटना को अंजाम ना दे पाए उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लीजिए। अनुच्छेद 374 ये क्या कहता है, फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या फिर सपरिषद हित मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध की बात की गई है 374 में। फिर आप देखेंगे 375 कहता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों और पदाधिकारियों और अधिकारियों के कृत्य यानी कि काम करते रहने की बात की गई है। 376 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध की बात की गई है। 377 में भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में उपबंध की बात की गई है। 378 में लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध की बात की गई है। 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 379 अंतरकालीन संसद या उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध इसे हटा दिया गया। 380 राष्ट्रपति के बारे में उपबंध इसे भी हटा दिया गया। 381 राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद इसे भी हटा दिया गया है। 382 पहली अनुसूची के भाग का में के राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध इसे भी हटा दिया गया है। 383 प्रांतों के राज्यपाल के बारे में उपबंध इसे भी निरसित यानी कि हटा दिया गया है। अनुच्छेद 385 आपका 385 भी आपका हट चुका है। 386 भी हट चुका है आपका। 387 भी आपको बता दूं कुछ निर्वाचन के परियोजनाओं के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध इसे भी हटा दिया गया है। 388 अंतरकालीन संसद तथा राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों में आकस्मिक रीतियों के बारे में उपबंध इसे भी हटा दिया गया है। 389 डोमिनियन विधानमंडल या प्रांतों देशी राज्यों के विधानमंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध इसे भी हटा दिया गया है। 390 इस संविधान के प्रारंभ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापित या व्यय किया हुआ धन की बात की जाती है इसे भी हटा दिया गया 390 को भी। 391 कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति इसे भी हटा दिया गया। अब आइए 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति ये अभी बनाया हुआ है। 392 क्या कहता है, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। अब चलिए संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इसमें 393 में संक्षिप्त नाम, 394 में प्रारंभ, 394 का में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ और 395 में निरसन। तो एक तरह से बात एक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग 1 2 3 इस तरह से आप लोग काउंटिंग करेंगे तो 394 ही तक आप लोग पहुंचेंगे, ठीक है। फिर आपने देखा होगा अगर आप लोग का को भी जोड़ लेते हैं, खा को भी जोड़ लेते हैं, इनमें बीच बीच में संशोधन करके जो जोड़े गए तो आपकी संख्या अनुच्छेदों की बढ़ जाएगी। वैसे 395 ही आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह भाग भी आपको 22 ही देखने को मिलेंगे अगर आप लोग 1 2 3 4 22 तक पहुंचेंगे। लेकिन का खा को जोड़ेंगे तो उनकी एक तरह से संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो 24 नहीं पहुंचेंगे, संख्या में 24 नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आप देखें तो टोटल आप कहेंगे तो 24 है, ठीक है। 1 2 3 पूरे का खा को जोड़कर करेंगे। अब चलिए हम लोग अनुसूचियों को भी देख लेते हैं क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुसूचियां कौन सी अनुसूची से संबंध क्या है। तो पहली अनुसूची को पढ़िए, राज्य और संघराज्य क्षेत्र की बात की गई है, ठीक है। फिर दूसरी अनुसूची में आइए, भाग का इसमें पढ़िए राष्ट्रपति और राज्यपाल के राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध की बात की गई है। भाग खा इसे हटा दिया गया है। भाग गा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति उपसभापति के बारे में उपबंध किया गया है। दूसरी अनुसूची के भाग घ में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में उपबंध किया गया है। और फिर आप देखेंगे इसके भाग ना या ढा में भारत के नियंत्रक महालेखा के परीक्षक के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद तीसरी अनुसूची में आइए, शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। आप सभी जानते हैं शपथ लेनी पड़ती है ना, उसी की बात हो रही है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है, राज्यसभा की बात हो रही है। अनुच्छेद अनुसूची 4 में, ठीक है।
अनुसूची पांच में आप लोग अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात की गई है। इसमें भाग का पढ़ेंगे, साधारण भाग खा में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन या नियंत्रण की बात की गई है। भाग गा में अनुसूचित क्षेत्र, भाग घा में अनुसूची का संशोधन की बात की गई है। फिर छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात की गई है। ये बात आप लोगों को जरूर याद रखनी है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इनके जो जनजाति क्षेत्र हैं ये छठवीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेंगे, बाकी पांचवीं अनुसूची में, ठीक है। सातवीं अनुसूची में आप लोगों को बताया था तीन अनुसूचियां आपको देखने को मिलेगी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इस पर विस्तार से बात करेंगे हम लोग आगे चल के। आठवीं अनुसूची में आप सभी जानते हैं भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, शुरुआत में कितनी थी, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। नवी अनुसूची कुछ अधिनियमों और बेनियमों का विधि मान्यकरण क्या होगा, इस पर बात करेंगे। दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताओं के बारे में उपबंध, आप सभी जानते हैं कि एक चुनाव जीतते हैं विधायक साहब और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में, इन्हें रोकने के लिए दल बदलू को एक तरह से दसवीं अनुसूची में लाई गई है, व्यवस्था की गई है। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व की बात की गई है। बारहवीं अनुसूची में नगर पालिकाएं आदि की शक्तियों, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व की बात की गई है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग इसी किताब में, इसी क्लासों में, इन्हीं क्लासों में संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना आदेश 2019 के बारे में बात करेंगे। ये संविधान 44वां अधिनियम 1978 के बारे में पढ़ेंगे, 88वां जो 2003 में हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे, संविधान का 100वां अधिनियम 2015, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट किया जाए, क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो ये था आपका ओवरव्यू कि हमें आखिर इस किताब में संविधान, भारत की संविधान की किताब में क्या क्या पढ़ना है। और मैं फिर से आप लोगों को वही कह रहा हूँ, इन क्लासों को आप लोगों को हर किसी तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमारे देश में संविधान के बारे में लोगों ने जान लिया, उसे पहचान लिया, जागरूक हो गए, तो बहुत सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है। हम अपने देश को एक तरह से सही दिशा दे सकते हैं, अपने लोगों को सही दिशा दे सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग मिलते रहेंगे एक एक क्लास करके, जितनी भी छोटी छोटी क्लासें नहीं रखेंगे, बड़े विस्तार से बात करेंगे, क्लासें बड़ी होती रहें तो कोई टेंशन नहीं है, बस हमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। आप लोग एंजॉय करिए अच्छे से और पढ़ते रहिए, और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं।